हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। मतदान में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर दिया है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार बने केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल गुर्जर भी इन दिनों अपने क्षेत्र में पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के तमाम गांवों में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं हो रही हैं, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कैंपेन में जी जान से जुटे गुर्जर को मतदान से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार रात को ग्रेटर फरीदाबाद के शिवाय गार्डन में आयोजित एक कार्यक्रम में 5 गाँव ने चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का समर्थन करने का ऐलान किया है। इससे गदगद गुर्जर ने कहा कि पूरे देश में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफान चल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है, इस बार 400 पार होकर रहेगा। लेकिन पूजा जी, आप कहीं भी जाइए, 5 गांवों की नहीं 500 गांवों की बात कीजिए, ये तो मेरे अपने सारे गांवों का, शहर का, कॉलोनी का, सलम बस्ती का, सब में मोदी का तूफान चल रहा है। ऐसा लगता है कि 2019 से बड़ा तूफान इस बार मोदी का चल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी को इस बार जो मोदी ने कहा है 400 पार, वो हमें पूरा करना है। उसके लिए आप रात के 9:30 बजे तक गाँवों के लोग बैठे, चार चार पाँच पाँच घंटे इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब यही है कि तीसरी बार भी लोगों ने तय कर लिया हमारा मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बीजेपी को जिताना है। सर, जो 26 गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं, वो आस लगाए बैठे हैं कि उनमें विकास तेज हो, तो किस तरह की रणनीति? चुनाव आचार संहिता लग रही, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। नगर निगम का चुनाव भी होगा और जो विकास रुका हुआ है, ये हमारे अपने गाँव है, उनका विकास करना हमारी जिम्मेवारी, तो उनका 100% हम चुनाव के बाद आचार संहिता हटने के बाद उनका विकास करेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। वो 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। यही वजह है कि इस सीट पर हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी ने उन्हें तीसरी बार भी मौका देने का काम किया है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।